अच्छा एक ये हमने पहले नहीं डाला हुआ था, आज ये जो जो है ना, जो कल मैंने लेक्चर तैयार किया था तो ये हमने नहीं डाला हुआ था, लेकिन आज जब मेरी ब्रिगेडियर सीजर से बात हुई तो उसने कहा नहीं भी ये भी आते हैं केस, ये केस भी कम आते हैं लेकिन आते हैं, ब्लंट वाले इंजरी वाले वो ज्यादा आते हैं। वो कहता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर केमिकल बर्न कैन इंक्लूड कॉर्नियल परफोरेशन, फुल थिकनेस डैमेज टू द कॉर्निया, द क्लियर सरफेस ऑफ द आईज, कॉर्नियल अल्सर, सुपरफिशियल डैमेज टू द कॉर्निया, कॉन्टैक्ट एंड अबनॉर्मल क्लोडिंग ऑफ द आईज लेंस। बर्न हो सकता है, कोई केमिकल पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखें कि जहां बर्न आ जाएगा ना, बर्न मसलन मेरे वालद साहब खुद, मैं मेरा अपना घर का केस है, वालद साहब वो जला रहे थे वो जी होता है क्या होता है जो गीजर, तो यूं रख पड़ा ना उसका शोला, तो ये दोनों आंख बर्न होगी। और मैंने फौरन, जो इतनी जलन थी जिसका कोई अंदाजा नहीं, मैं घर था तो मुझे घर से फोन आया कि जी वो गीजर जला रहे थे तो दोनों आंखों पे आग पड़ गई, आंखें बिल्कुल बंद थी। मैंने फौरन कैंथल सीएम की डोज ली, कोई 10-15 मिनट में आंखें बिल्कुल खुल गई, कैंथल सीएम की एक डोज, एक डोज से, और फिर वो बर्निंग भी खत्म हो गई। कैंथस बर्न में बहुत अच्छा डील करती। और ये अक्सर तो ये कहा जाता है ना कि इसको लोकली मदर टेंचर लगाया जाए उसमें लगा के उसके अंदर, मैंने ये देखा है कि ये कैंथस इंटरनली जितनी बर्निंग बर्न को ठीक करती है, बहुत पहली इमरजेंसी तौर पे अगर बर्न आता है आपको तो आप कैंथस का इस्तेमाल करें, नहीं होता तो सल्फर 30 दे दें, नहीं होता तो एंथ्रेक्सिनम दे दें, नहीं होता तो कास्टिकम दे दें इन द लॉन्ग रन, लेकिन इमीडिएटली आप कैंथस दे देंगे तो आपको सुकून हो जाएगा, मरीज कहेगा जी मुझे सुकून हो गया। तो इसलिए ये इमरजेंसी हमने यहां डाली है। और अगर केमिकल्स कोई आ जाता है ये भी जहन में रखें, तो आप आर्सेनिक की तरफ भी जा सकते हैं, आर्सेनिक की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि आग से जल जाता है, किसी केमिकल से जल जाता है। अक्सर जैसे मैंने कहा चूल्हे में लोग यूं पेट्रोल सड़ के वो लकड़ियों को आग लगा रहे तो एकदम शोला मुंह पे आके पड़ता है, तो उससे भी आई सेट जा सकती है, हाँ उस पर भी होती है। लेकिन कैंथस बहुत अच्छा करती है बर्न, सल्फर बर्निंग की बर्न की बड़ी दवाई है। कास्टिकम बड़े पुराने पुराने केस जो बर्न के आते हैं वो हम सल्फर और कास्टिकम देते हैं, वो स्कार भी खत्म कर देती है कास्टिकम, कास्टिकम ही बर्न की बड़ी दवाई है। लेकिन एक्यूट में चूंकि आपके पास आ रहा है तो कैंथस को बिल्कुल फर्स्ट स्ट्राइक आपकी कैंथस, मैंने कहा ना आर्सेनिक एल्बम है, पर कैंथस तो उसको भी कवर करेगी, जहां बर्न आ गया ना वो आग का है वो केमिकल्स का, लेकिन अगर सेकंड चॉइस आपके पास फिर आर्सेनिक है अगर केमिकल है तो। नेक्स्ट थिंग, ये मैं आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस बता रहा हूं, आप बर्न की दवाइयां और आपको बड़ी मिलेंगी, लेकिन ये आपको इमीडिएट उसमें लेके जाएगी, ठीक है जी।